हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, इसमें वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन किया जाता है। तो फिर बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक शोध वैसी रिसर्चर्स को कहा जाता है जिसमें रिसर्चर कंट्रोल कंडीशन में एक वेरिएबल या चर में जोड़ तोड़ करके दूसरे अन्य चरों पर इसके प्रभाव को देखता है, जिससे प्राप्त रिजल्ट्स के आधार पर इन चरों के मध्य कारण और परिणाम संबंध या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की पुष्टि की जाती है। इस प्रकार की रिसर्च में व्यक्तियों या प्रयोगों या सब्जेक्ट्स को दो भिन्न ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक ग्रुप में रिसर्चर रीइन्फोर्समेंट पॉजिटिव या नेगेटिव इनमें से कोई भी एक देता है और दूसरे में कोई भी रीइन्फोर्समेंट नहीं देता। ऐसी परिस्थिति में जिस ग्रुप में रीइन्फोर्समेंट दिया जाता है उसे प्रयोगात्मक समूह या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिसमें रीइन्फोर्समेंट नहीं दिया जाता है उसे नियंत्रित समूह या कंट्रोल समूह ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर रीइन्फोर्समेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इसके प्रभाव को इन दोनों ही ग्रुप्स के रिजल्ट्स के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि रिसर्चर लर्निंग पर रिवॉर्ड दिए जाने का क्या प्रभाव पड़ता है या जाना जाता है, तो वह एक ग्रुप में लोगों को रिवॉर्ड देगा जिस और उनकी लर्निंग को टेस्ट करेगा, जबकि दूसरे ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं होगा फिर भी उसकी लर्निंग को चेक करेगा। यदि पहले ग्रुप में लर्निंग की मात्रा अधिक आ जाती है या बहुत तेज़ी से सीखते हैं और दूसरे ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, तो रिसर्चर यहाँ पर निष्कर्ष निकालेगा कि रिपोर्ट दिए जाने पर लर्निंग की प्रक्रिया या मात्रा बढ़ती है या प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। जनरली इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रयोगशाला प्रयोग शोध या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च। इस प्रकार की शोध को लेबोरेटरी में रेंडमली सेलेक्टेड प्रयोगों या पर्सन या एनिमल्स पर किया जाता है। इसके लिए फेस्टिंगर और गार्ज ने 1953 में एक डेफिनेशन दी थी कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वन इज विच द इन्वेस्टिगेटर क्रिएट्स अ सिचुएशन विद द exact condition he wants to have and in which he controls some and manipulates other variables। अर्थात प्रयोगशाला प्रयोग शोध व रिसर्च है जिसमें रिसर्चर वैसी कंडीशन जनरेट करता है जिसमें कि वह अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए वह कुछ चरों को कंट्रोल करता है और अन्य चरों का मैनिपुलेशन करता है। यहाँ कंडीशन जनरेट करने का अर्थ यह है कि प्रयोग करते समय बहिरंग चरों या एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना ताकि रिजल्ट फॉल्टी ना आए। 1986 में कर्लिंगर ने इस प्रकार की रिसर्च के तीन मेन पर्पस बताए थे, जिसमें पहला है कि इसमें रिसर्चर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट स्वतंत्र या आश्रित चर के मध्य स्थापित संबंधों की खोज पूर्णतया कंट्रोल कंडीशन में करता है, जिससे कि इन चरों पर किसी भी प्रकार के बाहरी चर का प्रभाव ना पड़े। सेकंड, इस प्रकार की रिसर्च द्वारा पूर्व स्थापित थ्योरीज और रिसर्चर्स से प्राप्त होने वाले पूर्वानुमानों या प्रेडिक्शंस की जांच की जा सकती है। थर्ड, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की थ्योरीज और हाइपोथेसिस को संशोधित या परिमार्जित करके नई ऑब्जेक्टिव थ्योरीज का निर्माण और हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इससे किसी भी प्रकार की चीज़ आदि के बारे में सटीक प्रेडिक्शन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि रिसर्चर पनिशमेंट का प्रभाव लर्निंग पर देखना चाहता है, तो यहाँ पनिशमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और लर्निंग डिपेंडेंट, तो वह चरों या सब्जेक्ट्स को दो समान ग्रुप्स में डिवाइड करेगा। यहाँ पर वह बाह्य चरों जैसे उनकी एज, जेंडर, इंटेलिजेंस आदि को एक समान रखकर उन्हें कंट्रोल करेगा और उनके लर्निंग पर पनिशमेंट का प्रभाव को देखेगा, जिसके लिए वह एक ग्रुप में पनिशमेंट देगा और दूसरे में नहीं। और साथ ही इसके लिए वह हाइपोथेसिस बनाएगा कि पनिशमेंट अफेक्ट्स द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर इन दोनों ही ग्रुप्स द्वारा लर्न किए गए लेसन की क्वांटिटी को चेक करेगा। यदि उनकी इस क्वांटिटी में अंतर आता है, जो कि स्टैटिस्टिकली सार्थकता के स्तर या सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल के 0.05 लेवल पर यदि सिग्निफिकेंट हो, तो रिसर्चर इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि दंड या पनिशमेंट सीखने की क्रिया को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं इसके लाभ की। तो चूंकि यह कंट्रोल कंडीशन में की जाती है, इसलिए इसके रिजल्ट्स भी रिलायबल होंगी, क्योंकि इसमें बाह्य चरों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाता है। सेकंड, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन भी पूरी तरह से कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है, और इसके साथ ही इसमें जो सब्जेक्ट्स को सिलेक्शन होता है वो भी रैंडमली होता है, जिससे एक्सपेरिमेंट में किसी भी प्रकार की बायसनेस नहीं आती। थर्ड, इसमें आंतरिक वैधता या इंटरनल वैलिडिटी की भी अधिक होती है। ये क्या होती है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस प्रकार की रिसर्च में रियलिटी या यथार्थता पाई जाती है अधिक होती है, क्योंकि इसमें आश्रित चर जो है
अनुसार डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले जो भी चेंजेस होते हैं उनका मापन स्टैंडर्ड एपरेटस द्वारा किया जाता है। फिफ्थ, क्योंकि इसकी रिसर्च डिजाइन ये प्रोसीजर दोनों ही ऑब्जेक्टिव होती हैं, इसलिए इसका रिप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, जिसके प्राप्त होने वाले रिजल्ट्स की भी सत्यता की जांच हो जाती है। अब बात आती है इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो लैब में होने के कारण इसमें पार्टिसिपेंट की संख्या लिमिटेड होती है, जिसके आधार पर प्राप्त रिजल्ट्स को एक्सटर्नल वैलिडिटी या बायवैधता के कम होने के कारण जनरलाइज नहीं किया जा सकता। सेकेंड, चूंकि यह लैब में कंट्रोल या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में की जाती है, तो इसमें कृत्रिमता या आर्टिफिशियलिटी का गुण आ जाता है, जो कि उचित नहीं होता है। सही थर्ड है, नेक्स्ट, इस प्रकार की रिसर्च द्वारा प्राकृतिक आपदाओं या समस्याओं जैसे भूकंप, साइक्लोन, सांप्रदायिक दंगों आदि का अध्ययन लैब में पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, इसके द्वारा कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट या वंचित वातावरण में बच्चे का डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट या अन्य बिहेवियर आदि का अध्ययन किए जाने की अनुमति समाज द्वारा नहीं दी जाती है। फिफ्थ है, लैब में होने के कारण यह बहुत ज़्यादा खर्चीली और टाइम टेकिंग होती है। तो ये थी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दूसरे सब टाइप की, यानी कि क्षेत्र प्रयोग शोध या फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च। इस प्रकार की रिसर्च में रिसर्चर एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उनका अध्ययन ऐसी वास्तविक कंडीशन में करता है, जिसमें अध्ययन को प्रभावित करने वाले बाह्य चरों को अधिक से अधिक कंट्रोल में किया जा सके, जो कि कर्लिंगर की एक डेफिनेशन से भी स्पष्ट होता है। ये अ फील्ड एक्सपेरिमेंट इज रिसर्च स्टडी इन अ रियलिस्टिक सिचुएशन इन विच वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर अंडर एज केयरफुली कंट्रोल कंडीशन एज द सिचुएशन विल परमिट। इसके अलावा रॉबिन्सन ने 1976 में इसे एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन माना है, जिसमें कुछ स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन डायरेक्टली किया जाता है। इस प्रकार की शोध को रियलिस्टिक सिचुएशन अर्थात स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कोर्ट, फैक्ट्री आदि में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके लाभ और हानि की। तो सबसे पहले, चूँकि यह रियलिस्ट सिचुएशन में होता है, तो यह कई प्रकार के बिहेवियरल साइंसेज जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन और मैनेजमेंट आदि के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय और यूजफुल है। फॉर एग्जांपल, क्लास में यदि स्टूडेंट्स का एग्रेशन लेवल चेक करना है, या टीचर की टीचिंग मैथड को असेसमेंट करना है, या एम्प्लॉइज़ के जॉब सेटिस्फेक्शन आदि का लेवल चेक करना है, तो यह फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्प्रोप्रियट होगी। सेकेंड, इस प्रकार की शोध में बायवैधता अधिक होती है, जिस कारण इसके प्राप्त जो रिजल्ट्स होते हैं वो जनरलाइज किए जा सकते हैं। इन लाभों के बावजूद इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। पहले, ये रिसर्च को वास्तविक कंडीशन करने के कारण परिस्थिति और बायचरों पर पूर्णतया नियंत्रण है, यह बात स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती, जिस कारण इसकी इंटरनल वैलिडिटी कम हो जाती है। और यहाँ पूर्णतः नियंत्रण से संबंध तात्पर्य यह होता है कि यदि रिसर्चर क्लास में लर्निंग में अटेंशन की एफिशिएंसी को चेक करना चाहता है और उसे पूरी तरह से सिचुएशन और बायचरों को अपनी सामर्थ्य के आधार पर कंडीशन मान लो कंट्रोल भी कर लिया है, किंतु अचानक कहीं से लाउड स्पीकर से बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो स्टूडेंट्स का ऐसे सिचुएशन में ध्यान भंग होगा, जिसे रिसर्चर कंट्रोल भी नहीं कर सकता। सेकेंड, इसमें यह कमी है कि यदि रिसर्चर या रिसर्च प्रॉब्लम सोसाइटी के नॉर्म्स पर खरी नहीं उतरती है, तो ऐसे शोध को मान्यता नहीं दी जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि रिसर्चर स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करके उनसे मैथ्स के कुछ सम्स सॉल्व करवाने को कहता है, तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न किए जाने का विरोध करेंगे। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन के लेवल और अर्थात ये जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें मैनिपुलेशन और रिस्पोंडेंट के सेलेक्टेड रैंडमली सिलेक्शन का में प्रॉब्लम आएगी। इन सब के बावजूद इस प्रकार की शोध जो है कॉम्प्लेक्स सोशल या और साइकोलॉजिकल प्रोसेस के प्रभावों और उनमें होने वाले चेंजेस को जानने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन लेबोरेटरी रिसर्च में नहीं किया जा सकता। इन शॉर्टली, लेबोरेटरी और फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या समानताएं और असमानताएं हैं ये जान लेते हैं। समानताओं में इन दोनों ही रिसर्चेस में कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप की जांच की जाती है। सेकेंड, दोनों में ही स्वतंत्र और स्वतंत्र चर का मैनिपुलेशन किया जाता है। थर्ड, इन दोनों ही प्रकार की रिसर्चेस में बाह्य या बहिरंग चरों को नियंत्रित किया जाता है। असमानताओं में लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की को यदि के लिए लैब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को रियल सिचुएशन में किया जाता है। सेकेंड है, लेबोरेटरी रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन और सब्जेक्ट का सिलेक्शन रैंडमली होता है, जबकि फील्ड रिसर्च में ऐसा नहीं है।
थर्ड, लेबोरेटरी रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी या आंतरिक वैधता अधिक होती है और बाह्य वैधता या एक्सटर्नल वैलिडिटी कम होती है, जबकि फील्ड रिसर्च में इसका उल्टा यानी इंटरनल वैलिडिटी कम और एक्सटर्नल वैलिडिटी अधिक होती है। फोर्थ और लास्ट है, इसमें लेबोरेटरी रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो कंट्रोल कंडीशन में होने के कारण इसमें परिशुद्धता या एक्यूरेसी अधिक होती है, परंतु इसके रिजल्ट्स को जनरली जनरलाइज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लिमिटेड संख्या में होते हैं, जबकि फील्ड रिसर्च में रियल सिचुएशन में इसे कंडक्ट किया जाता है, इसमें एक्यूरेसी भी बहुत कम होती है परंतु इसके रिजल्ट्स को जनरलाइज किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।